मेरे प्यारे बच्चों, आपने आंसर की चेक कर ली होगी। जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको कंग्रेचुलेशन, और जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लाइफ में आगे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां आपको आगे बढ़ने के काफी सारे अवसर मिलेंगे, तो आप जरा भी टेंशन न लें। अभी आपका एग्जाम होने के बाद में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की इच्छा होगी, उत्सुकता होगी, और मेरे वीडियो की तो जरूरत होती है हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि जो मेरी कट ऑफ होती है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट जाती है। 2020 में भी मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 620 प्रेडिक्ट की थी, वो 619 गई थी, और सेकंड राउंड के लिए तो 610 की थी, वो 611 कट ऑफ रही थी, और लास्ट में 610 रह गई थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो इतना अच्छा जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो आपको हमारे यहाँ इसी चैनल पर ही मिलेगा। अब मैं आपको 21 की कट ऑफ बताऊंगा। ये जो कट ऑफ है वो सारे इफेक्ट को देखते हुए मैंने बनाई है, तो मैनुअली जो कट ऑफ है वो इन फैक्टर्स पर काम करती है। सबसे पहले होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल, दूसरा होता है टोटल सीट कितनी है, इसके बाद में कितने सारे कैंडिडेट अवेलेबल हुए हैं एग्जाम में अपीयर हुए हैं। इसके बाद इस बार जो एक थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा वो न्यू रूल्स रिजर्वेशन का डालेगा, जिसमें 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो थोड़ा सा कट ऑफ पर इम्प्लीमेंट करेगा, प्रभाव डालेगा इसमें। अब हम ये देखते हैं कि इन सारे पॉइंटों को देखते हुए 21 की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल का पता है, बायोलॉजी का ये इजी रहा था, लेकिन 21 का अभी इजी टू मॉडरेट रहा है। 21 का जो बायो का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो 2020 में भी ये इजी था, लेकिन इस बार मॉडरेट है, इस बार ये मॉडरेट है। और फिजिक्स की बात करें तो 2020 में ये इजी टू मॉडरेट था, और इस बार मॉडरेट टू टफ है, ये मॉडरेट टू टफ है। तो हम ओवरऑल जब क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो ये पेपर टफ और लेंदी था, ये बिल्कुल आप इस बात को भी जानते हैं, क्योंकि आपने पिछला भी एग्जाम दिया होगा 2020 का, और ये भी एग्जाम दिया होगा, क्वेश्चन पेपर आपने हल किया, तो आपको अच्छी तरह से पता है। ये जो कैलकुलेशन है मैंने 100 से ज्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर को मंगवा के उनके आंसर चेक करके उसके बाद में ये प्रेडिक्ट किया है। तो ये आप इसमें क्वेश्चन पेपर का आपको पता लग गया, डिफिकल्टी लेवल का आपको पता लग गया कि ये टफ रहा है, और टफ रहा है तो कट ऑफ कम रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि ये कट ऑफ कितनी रहती है, उसका हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस बार टोटल 200 क्वेश्चंस थे, हमेशा 180 क्वेश्चंस आते हैं, अब की बार 200 क्वेश्चन थे। तो इसमें 200 में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। तो इन 200 क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं कि ये इजी और टफ कितने कितने रहे हैं। तो 26 क्वेश्चन हम देखें तो फिजिक्स के इजी क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन थे वो इजी थे, 15 क्वेश्चन मीडियम थे, और 9 क्वेश्चन टफ थे। ये टोटल 50 में से 26 इजी थे, 15 मॉडरेट थे, और 9 थे वो टफ थे। अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में टोटल 30 क्वेश्चन थे वो इजी थे, 13 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, और 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। टोटल 50 में से इतने थे। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में टोटल 100 क्वेश्चन थे, उन 100 में
अगर हम देखें तो 42 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, यानी कि हर एक स्टूडेंट ही उनको कर सकता था। 52 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मॉडरेट थे, 52 क्वेश्चन मॉडरेट थे, इनको भी तकरीबन बच्चे, यानी कि हम मानते हैं हर एक बच्चे ही कर सकते थे। 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। तो इस प्रकार से ये टोटल 200 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट का जब रिएक्शन देखा गया, उनके आंसर चेक किए, तो उसमें ऐसा महसूस हुआ कि इतने सारे जो क्वेश्चन हैं वो इजी, मॉडरेट और टफ रहे हैं। अब इसमें जो एवरेज स्टूडेंट का, यानी कि जो कट ऑफ वाले स्टूडेंट, यानी कि लास्ट में जो सीट लेने तक वाले स्टूडेंट है, उतने उन्होंने कितने कितने क्वेश्चन किए होंगे, इसमें कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे, तो फिजिक्स के हम बात करें तो 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे एवरेज स्टूडेंट ने, जिससे हम कट ऑफ हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें केमिस्ट्री की, तो 36 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट कट ऑफ वाले जो एडमिशन के लायक स्टूडेंट हैं, उन्होंने हल किए होंगे, जिनका एडमिशन होना है। अभी बायोलॉजी की बात करें तो 77 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तकरीबन बच्चों ने किए होंगे इसमें। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल इनका हो जाता है 145 ही होता है मेरे ख्याल से, 145 इनका टोटल हो जाता है, यानी कि 145 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट ने किए हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है। 145 क्वेश्चन मीन्स 145 इंटू, अगर हम 4 से बात करें तो 580, यानी कि 580 सिलेक्शन की रेंज वाले स्टूडेंट हैं। इसमें जो ये 580 हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग वाले सारे ये क्वेश्चन आ गए, नहीं अटेम्प्ट करने वाले, यानी कि हमने ये पूरा एक एवरेज लगा के निकाला है कि जो सिलेक्शन की रेंज में हैं वो 580 वाले स्टूडेंट होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, वो सारे आ गए इसमें, यानी कि कट पिटा के 580 का एवरेज हम लेके चल रहे हैं। तो इस बार ये हम मानते हैं कि 580 का एवरेज रहा है। अभी यही कट ऑफ नहीं है, इस पे जो दूसरा फैक्टर है, नंबर ऑफ सीट्स और जो नंबर ऑफ अफेयर कैंडिडेट हैं, और जो एक तीसरा फैक्टर है न्यू रिजर्वेशन का, वो भी इसमें लागू होता है। तो वो देख के हम देख लेते हैं कि जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की कितनी कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां ये बता देता हूं कि अगर आप एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने बुक लिख रखी है, आप उस बुक में नॉलेज ले सकते हैं। उसमें 19 की कट ऑफ भी दे रखी है, 20 की कट ऑफ भी दे रखी है, सीट मैट्रिक्स, फीस वगैरह, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये दे रखी है कि एक च्वाइस लिस्ट दे रखी है मैंने, जो आपको च्वाइस भरनी है 21 में, कौन कौन सी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में कितने फीस तक एडमिशन हो सकता है, ये पूरा स्टेट का, ऑल इंडिया कोटा का, आयुष वेटनरी सब का समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ देखते हैं क्या कट ऑफ रहेगी। तो जो दो फैक्टर और बाकी रह गए हमारे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो दो फैक्टर बाकी रह गए और तीसरा फैक्टर न्यू रिजर्वेशन रूल के बारे में भी बात करते हैं। अब इसमें हम टोटल सीट्स के बारे में बात करेंगे, तो टोटल सीट्स इस बार जो इंक्रीज होंगी, इस बार जो टोटल सीट इंक्रीज होंगी, यहां हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो 300 से लेके 350 तक ये सीट्स इंक्रीज होंगी। तो इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
कट ऑफ कम होने का। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो 580 की रेंज तक जो स्टूडेंट हैं, 580 की रेंज में एक मार्क्स पर ही 1000 रैंक तक के, 700-800 रैंक तक के बच्चे होते हैं, इसलिए इस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इस रेंज पर हर एक स्टूडेंट ही सीट को चाहता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है, ऑल इंडिया कोटा के बाद भी कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा नंबर ऑफ सीट्स का। इसके बाद में हम दूसरा फैक्टर बात करते हैं, नंबर ऑफ अपेयर्ड स्टूडेंट। तो 2020 में टोटल 15,91,000 स्टूडेंट अपेयर हुए थे, यानी कि रजिस्टर्ड हुए थे, और अब की बार 16,10,000 स्टूडेंट अब की बार रजिस्ट्रेशन किया है उन्होंने, तो ये भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, तो ये कट ऑफ को ये भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। अब तीसरी बात, रूल जो न्यू रूल लगा है उसमें क्या है, जो ओबीसी को 27% दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, तो ओबीसी के स्टूडेंट एक्चुअली ज्यादा होते हैं। पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में इनका कोटा था तो कट ऑफ उसमें ज्यादा जाती थी, तो इस बार क्या है कि ओबीसी के कुछ स्टूडेंट जनरल की सीट भी लेंगे, तो जनरल की सीट लेंगे तो जनरल की कट ऑफ और थोड़ी सी ज्यादा जाएगी और ओबीसी की कट ऑफ कम जाएगी। तो इन सब को देखते हुए अभी मैं जो आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो कट ऑफ ये है, जनरल की 585 मार्क्स, जनरल की ऑल इंडिया कोटा की 585 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। यहां मैं स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, वो 585 कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करें 5 से 7 मार्क्स डाउन जाएगी, 10 मार्क्स भी जा सकती है, मैं यहां 5 मार्क्स डाउन करता हूं, 580 कट ऑफ ओबीसी की जा सकती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 575 कट ऑफ जा सकती है। इसमें एससी और एसटी पिछली साल से इनकी कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होती नजर आ रही है, 2020 में इनकी कट ऑफ जब हम कंपैरिजन करें पिछले सालों का तो इनकी कट ऑफ स्लाइटली हमें थोड़ी सी बढ़ी हुई मिली है, तो हम इसकी इस बार की कट ऑफ देखें इसमें तो 485 कट ऑफ जा सकती है एसटी कैटेगरी की और 470 कट ऑफ जा सकती है एसटी कैटेगरी, सॉरी मैं यहां एसटी कैटेगरी बोल गया, एससी कैटेगरी की 485, एसटी कैटेगरी की 470 कट ऑफ जा सकती है। तो ये कट ऑफ मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं नीट 21 के लिए, और आपको ये 4 महीने बाद पता लगेगा, जब स्ट्रे राउंड होगा तब ये आपको कट ऑफ मिलेगी, और वही लास्ट कट ऑफ रहती है, फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, मॉपअप राउंड की, स्टेटों की, ये कट ऑफ डिफरेंट रहती है, लेकिन जो लास्ट कट ऑफ आती है जैसे एम्स की पिछली बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड की 610 रही थी, तो इस प्रकार से ये लास्ट कट ऑफ मैंने आपको प्रेडिक्ट की है, जनरल कैटेगरी 585, ओबीसी 580, ईडब्ल्यूएस 575, एससी 485 और एसटी 470, तो ये कट ऑफ है। इसके बाद आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट के बाद में रैंक कितना रहता है स्टूडेंट का, तो आपको रैंक के हिसाब से भी आपको बता दिया जाएगा कि कितनी रैंक पर कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए आपके भविष्य की, मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए जय हिंद।